मॉर्निंग क्लास। बच्चों आज रिविजन करेंगे हम पार्ट ऑफ द विशेषण, ठीक है। पार्ट 14 विशेषण। क्या होता है विशेषण? दो शब्द क्रिया और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया और सर्वनाम ऐसे शब्द जो क्रिया और सर्वनाम की विशेषता बताए उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी विशेषण की? कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द किसके अंतर्गत आएगी? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। समझ गए आप?
गुणवाचक विशेषण क्या क्या समझ रहे हैं, क्या क्या चीज जानी है? फिर है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के बच्चों दो प्रकार के कौन कौन से? संख्यावाचक भी दो प्रकार के होंगे, निश्चित संख्यावाचक और संज्ञा से ठीक पहले जब सर्वनाम लगे तो उसको क्या कहेंगे?
सांकेतिक विशेषण, वो विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा जो है सर्वनाम किसकी जगह लगता है? संज्ञा की जगह लगता है ना भैया। अगर या तो संज्ञा लिखते हैं या सर्वनाम लिखते हैं, लेकिन जहां पे संज्ञा भी आ रही है सर्वनाम भी आ रहा है। ठीक, और संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम आ रहा है, समझ लेना वो क्या है, क्या है वो सांकेतिक विशेषण। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पर? एक्सरसाइज देखेंगे। अब देखो विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है बेटा? विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है बच्चों। कितनी अवस्थाएं होती है विशेषण की? तीन होती है। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, नहीं मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, उत्तम अवस्था होगा मूल अवस्था। ठीक है बच्चे, फिर होते उत्तरावस्था, और लास्ट होगा उत्तम अवस्था। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले सब। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है बच्चे, जैसे सोना ने गहरी नीली
साड़ी पहनी है। सोनल ने गहरी नीली साड़ी पहनी है। इसमें आप सबसे पहले मुझे विशेषण बताओ, था विशेषण शब्द कौन सा है? नीली। ठीक है, नीली। अब गहरी किसकी विशेषता बता रहा है? सब नीला रंग, कैसा नीला है वो रंग? गहरा नीला है। तो विशेषण की विशेषता किसने बताया था? ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गया हमारा प्रविशेषण। ठीक है, ये हो गया विशेषण और ये हो गया प्रविशेषण। ठीक है, हमने कहा अच्छा समझदार बच्चा है। ठीक, अच्छा समझदार बालक है। समझदार शब्द क्या है? फिर हम इसको बोल रहे हैं अच्छा बहुत समझदार बालक है, तो बहुत शब्द क्या हुआ? प्रविशेषण, क्योंकि हमने विशेषण की भी विशेषता बताई। ठीक है बच्चे, समझ गए सब लोग? पक्का? अब एग्जाम में पता चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं थी मुझे। हाँ कोई दिक्कत है तो अभी बोलो, एग्जाम में जो है वहां पे गड़बड़ मत करना। जैसे एक्सरसाइज है बच्चे, ये आप लोगों ने कर चुके होंगे। ठीक है, पहले आज हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण बताई जाती है, वो संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषण विशेषता बताता है। ठीक है, अब आपको विशेषण बनाना है। कुछ शब्द मैं आपको दूंगी, उसके आपको विशेषण बनाना। जैसा विश्व विशेषण क्या बनेगा बच्चा? विशेषण। वेरी गुड, बीस पे क्या विशेषण बनेगा? विशेषण। विशेषण समझो, आपको होमवर्क में ये करके आगे बच्चे। हाँ, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, नगर का क्या होगा? नगरी। नगरी नगर से क्या हो रहा है? नगरी। नगरी है। ठीक है, राष्ट्र का? राष्ट्रीय। राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। बाकी के जो बचे हैं वो आप लोग होमवर्क में करिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छांटिए और उनके भेद लिखिए। विशेषण छांटना है और उनका भेद लिखना है। जैसे पहला है, जेब में कुछ ताश के पत्ते हैं। जेब में कुछ ताश के पत्ते हैं। ठीक है बच्चे, विशेषण शब्द कौन सा बच्चा? सन अनिश्चय। बच्चा पहले विशेषण शब्द कौन सा है? कुछ। वेरी गुड, अब इसको जो है आपने अलग से लिख लिया कुछ। ठीक है बच्चे, अब बताओ ये कैसा विशेषण है? अनिश्चय संख्यावाचक। अनिश्चय संख्यावाचक क्यों है बच्चे? करण नेगी उनके अपनी पास। वेरी गुड। ठीक है, अब कुछ हम क्योंकि कुछ बोला गया इसलिए हमने इसको क्या बोला है? अनिश्चित बोला है। ठीक है, समझे? क्योंकि ताश को हम गिन सकते हैं इसलिए वो संख्यावाचक हमने लिया। संख्या हमें प्रॉपर देनी थी, कुछ दिया नहीं, सिर्फ कुछ शब्द लिखा था, तो इसका मतलब हमने इसको क्या बोला है? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इसी तरीके से आप पेपरों में भी लिखेंगे बेटा, कुछ शब्द को लिखेंगे और उसके बाद उसका भेद ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तब आपको एक नंबर मिलेगा जब इस तरीके से पूरा लिखोगे। चिमनियों को ऊंचा किया जाए। ऊंचा किया जाए, ऊंचा। ठीक है, क्या होगा? गुणवाचक होगा। वेरी गुड, तैमूर ने सारा
क्रिया सारा क्रिया अनिश्चित परिमाण वाचक परिमाण हां बेटा एक सेकंड सब लोग आंसर नहीं करेंगे हां आप बताओ फिर अनिश्चित परिमाण हां आपको ये पीछे ये था केशव नाम श्वेता पीली ओढ़नी सुखा रही है कलिस श्वेता पीली ओढ़नी सुखा रही बच्चे इसमें क्या है कौन सा शब्द है छह सब बच्चे हाँ वेरी गुड पीली और ये कौन सा वाला विशेषण है पीला बोला है ना पीला रंग बताया तो रंग किसमें आता है हाँ किसमें आता है रंग रूप स्वाद आकार किसके अंतर्गत आते हैं अरे हाँ विशेषण तो है बेटा विशेषण तो है लेकिन कौन सा वाला विशेषण हुआ ये रंग बताया गया ना आपको रंग किसमें आता है गुणवाचक विशेषण है ठीक है बच्चे बैठो बाहर लंबी मेज रखी है दिव्या भारती बाहर लंबी मेज रखी है कौन सा है विशेषण शब्द हाँ क्या बोल रही बच्चे टेबल मेज मेज है विशेषण शब्द चारू बाहर लंबी मेज रखी है कौन सा शब्द हाँ कौन सा वाला विशेषण हो गई गुणवाचक हो गया ठीक है लंबी शब्द जो है क्या है विशेषण है और जहाँ पे आकार लंबाई छोटा लंबा गोल चौकोर ये सब बताया जाए वो किसमें के अंतर्गत आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर बैठो कोई बालक रो रहा है आयुष ने भी कोई बालक रो रहा है बेटा इसमें कौन सा विशेषण शब्द कोई ठीक है कौन सा वाला विशेषण हो गए अनिश्चय संख्या आ जाती कैसे जरा मुझे बताओगे आप उस बालक को गिन नहीं सकते ना हाँ ये सब सोचो एक बार ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो सेंटेंस को एक बार दोबारा पढ़ो क्या लिखा गया उसमें कोई बालक रो रहा है ध्यान दो सेंटेंस में कोई बालक अंशिका मरवाल मैम कोई अनिश्चित संख्या वाचक अनिश्चित संख्या वाचक करण बेबी टू वेरी गुड क्योंकि बालक शब्द क्या है बच्चे संज्ञा है ठीक है बालक शब्द संज्ञा संज्ञा से जस्ट पहले क्या लगा है कोई ये क्या है सर्वनाम तो ये क्या है इस बालक की ओर एक सर्वनाम संकेत कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा सांकेतिक संकेत वाचक या सांकेतिक विशेषण समझ गया सब लोग ये घर पे करके लाएंगे आप लोग तो बैठो प्रश्न नंबर पांच है विशेषणों को रेखांकित कर उनकी अवस्थाओं के भेद लिखे विशेषण शब्द को हमें क्या अंडरलाइन करना है और फिर बताना है कि मूल अवस्था में उत्तरावस्था में या उत्तमावस्था में ठीक है चारों सेंटर दक्षिण भारत में उत्तर भारत से कम सर्दी पड़ती है पहले तो कौन सा वाला शब्द है विशेषण इस वाक्य में सर्दी विशेषण है कनिष्ठ इसमें विशेषण शब्द कौन सा है हाँ क्या मतलब से नो करा मेबी टू कम से कम ठीक है और ये कौन सा वाला होगा मूल अवस्था उत्तरावस्था या उत्तमावस्था उत्तरावस्था क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो के बीच में तुलना हुई बैठिए दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम है करण बेबी फोर नहीं ये वाले आप सही लो फोर्स हो ना तो फिर उसको ओके दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम है कौन सी अवस्था है इसमें मूल अवस्था क्योंकि तुलना नहीं हुई है बैठो कपालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर है केशव
देगी। कपालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। क्यों बुध अवस्था कैसे होती बच्चे? सभी शिव मंदिरों में से हम बोल रहे ना, कपालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर है, यानी जितने भी शिव मंदिर उनमें कपालेश्वर का जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगी उत्तम अवस्था। बैठो। तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदंबरम सर्वोपरि है। आयुष वेगी उत्तम अवस्था। बैठो। बाकी आपको होमवर्क में करेगा बच्चे। हाँ, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छांटे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है? पहले तो अंतर समझ लीजिए। सर्वनाम क्या होता है बच्चे? जो संज्ञा के नाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाला। और सार्वनामिक संज्ञा की विशेषता। और संज्ञा की विशेषता बताने वाला सार्वनाम, ठीक है? यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला। संज्ञा से जस्ट पहले लगेगा, विशेषण की तरफ कार्य करेगा, ठीक है? Yes, ओके क्लास।